प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल पार्ट टू देखते हैं। इसमें कुछ पार्ट इंसर्ट मेनू में इलस्ट्रेशन में क्लिप आर्ट तक हम लोगों ने देखा। आइए देखते हैं प्रैक्टिकल पार्ट टू। प्रैक्टिकल पार्ट टू ये सब आप नोट ही कर चुके हैं, इसको भी आप देख चुके हैं। यानी हम लोग बात करेंगे क्लिप आर्ट, जैसा बता दिया सेफ हो गया, स्मार्ट आर्ट और चार्ट की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकल में कैसे चार्ट बनाएंगे आप एमएस वर्ड में। इसमें इंसर्ट की बात कर रहे हैं, इंसर्ट में है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में कोई भी साइकिल या कुछ भी इस तरीके से आप बनाना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट ये ले लिया, तो ये सब स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट के द्वारा भी आप बहुत सारा चीज़ों से बना सकते हैं। जैसे हम मेथेन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, CH4, तो देखें ये इस तरीके से मेथेन का स्ट्रक्चर बन गया। इसकी आप तरह तरह की डिजाइनिंग भी कर सकेंगे, जैसा कि ये इसमें दिया हुआ है, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं मल्टी कलर। तो ये है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के द्वारा आप किसी भी चीज़ को ऐसे बेहतर बना सकते हैं। इंसर्ट में ग्राफ चार्ट की बात करते हैं। ग्राफ चार्ट, तो ग्राफ चार्ट के द्वारा आप ग्राफ चार्ट इस तरीके से बनाते हैं। ओके करें। सपोज इट आपने ऐसे लिख दिया, सब्जेक्ट लाइक दैट हिंदी इंग्लिश मैथ GS, ये लिख दिया। किसी में मार्क्स जो भी मिले हैं, मार्क्स किसी में मिल गए 76, किसी में मिल गए 78, किसी में मिल गए 45, किसी में मिल जाते हैं 67। तो ये चीज़ हम ये डाटा डिलीट कर देते हैं, डिलीट, साथ में एक्सेल की भी फाइल खुलती है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो भी ग्राफ चार्ट है, ये ग्राफ का चार्ट का टाइप बदल सकते हैं आप। यहाँ से आएँ और इसको कोनिकल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे कम जो मार्क्स है मैथमेटिक्स में है, तो इस तरीके से इसका आप मीनार बना के देख सकते हैं। ये है ग्राफ चार्ट। इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और चार्ट में जाएंगे। चार्ट में ऐसे तरह तरह के ग्राफ चार्ट हैं, तो इसे जब कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, इस तरीके से आप टाइप को बदलेंगे तो एरिया के कलर, एरिया के हिसाब से आप इसको चूज कर सकेंगे। तो ये हो गया चार्ट। बाकी बात करते हैं हाइपरलिंक की। तो मान लिया आपने कोई भी सेप ऐसे इंसर्ट किया है, ये सेप आपने इसमें इंसर्ट कर लिया है, कोई भी कलर फिल कर लिया है या कुछ भी। अब आते हैं बात करते हैं हाइपरलिंक की। तो हाइपरलिंक मतलब हाइपरलिंक टू। तो आप जैसे ये अमर नाम का एक फोल्डर है PPT का, तो इस पर हमने हाइपरलिंक कर दिया। जब इसको आप बात करेंगे तो अल्टर प्लस क्लिक की बात करेंगे तो ये इसका हाइपरलिंक खुल जाएगा। कंट्रोल प्लस क्लिक तो ये हाइपरलिंक खुल जाएगा, यानी जिस तरीके से ये दिखा रहा है। तो हमने क्लिक कर रहा है इसको। तो हाइपरलिंक का प्रयोग किसी भी सेप पर दूसरा प्रोग्राम जोड़ने के लिए यूज होगा। हेडर फूटर, जैसा कि आप देख सकते हैं हेडर फूटर किसी भी टेक्स्ट को हीडर फूटर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे जब प्रिंट आप करेंगे तो यहाँ पे हीडर या हीडर के रूप में दिखाएगा। तो इस तरीके से हीडर हो सकता है, फूटर भी ऐसे ही सेम फूटर होता है। फिर इंसर्ट की बात करें तो इंसर्ट में है टेक्स्ट बॉक्स। इस बॉक्स को आप बना के कहीं भी कुछ भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं तो इसको आप बड़े आसानी से ड्रैग कर सकते हैं। इस बॉक्स की खासियत यह है, जबकि आपने यहाँ पे अगर कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ पे और एक महत्वपूर्ण कमांड है, जैसे इक्वल टू RAND लिख दिया, दोनों ब्रैकेट बंद करें और इंटर कर दें, तो एक ही बार में आप एक ही कमांड को लिख करके बहुत सारे चीज यानी कुछ भी सेटिंग आप ऐसे कर सकते हैं। इसे देखें इक्वल टू RAND, दोनों ब्रैकेट बंद करें, तो इस तरीके से ये टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप इसको ड्रैग नहीं कर सकते, जबकि आपने जो अभी ये बॉक्स बनाया था इसको हम ड्रैग कर सकते हैं, और जबकि ये जो है उसको ड्रैग नहीं कर सकते, जो टेक्स्ट मैटर है उसको ड्रैग नहीं कर सकते। वर्ड आर्ट की बात करें तो आप